हेलो एवरीवन, ये मेरा फर्स्ट फेस स्कैम वीडियो है इस चैनल पे, तो मैं इस बारे में बात करना चाहता था एंड इसीलिए पर्टिकुलरली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि बात कर पाऊँ कि द 100 एंड जो T10 का टूर्नामेंट्स होता है, चाहे वो एमिरेट्स T10 हो या फिर अबू धाबी T10 हो, कुछ भी, वो मैं कवर क्यों नहीं करता एंड मैं क्यों प्रेफर नहीं करता खेलना एंड मैं क्यों नहीं प्रेफर करता इन्वेस्ट करना। ठीक है, रिस्की है एंड वो सब तो ठीक है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है। अगर आप लोग पूरा सुनेंगे शायद आपको समझ में आए। ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगा पूरा समझाने का। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हो, एग्री भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स। बट देखो, टेस्ट क्रिकेट का जिस तरीके से मर्डर किया जा रहा है, वो पर्सनली आई एम नॉट लाइकिंग, मतलब मुझे वो पसंद नहीं आ रहा। एंड टेस्ट क्रिकेट अगर बर्बाद हो रहा है तो क्रिकेट बर्बाद हो रहा है, चाहे आप मानो या ना मानो। बहुत स्पॉन्सरशिप आ रहे हैं, शायद वो T10 हो गया या फिर द 100 में या फिर जितने भी T20 लीग्स हो रहे हैं, CPL हो गया, SLPL हो गया, श्रीलंका प्रीमियर लीग या फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग, BPL, IPL एंड बिग बैश तो अलग ही जगह है, एंड फॉर दैट मैटर वाइटलिटी ब्लास्ट में भी। तो T10 का अभी तो एक वर्ल्ड कप भी, सॉरी T20 का अभी तो वर्ल्ड कप भी चलता है, तो वो कुछ हद तक अभी नॉर्मलाइज हो गया है। बट मैं नहीं चाहता कि और जो ऐसे छोटे फॉर्मेट से T10, 100 या फिर अब कुछ दिन बाद अगर आप देखोगे तो 20 बॉल्स का टूर्नामेंट आ जाएगा, फिर एक ओवर का टूर्नामेंट आ जाएगा, सुपर ओवर में शायद मैच डिसाइड होगा, ऐसा भी हो सकता है, एक एक दिन 10-10 मैचेस आपको देखने को मिले। तो जितना छोटा होगा क्वालिटी आपको उतना कम मिलेगा। वहाँ पे जेसन रॉय जैसे प्लेयर तो चल जाएंगे, बट चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर आपको और नहीं दिखेंगे। ठीक है, राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर और नहीं आएंगे और प्रोड्यूस नहीं होगा। आप अभी अगर आप देखते हो तो कितने टेस्ट प्लेइंग नेशंस क्वालिटी आपको दिखते हैं, मतलब कितने टेस्ट प्लेइंग नेशंस में क्वालिटी आपको दिखते हैं, क्वालिटी प्लेयर्स आपको दिखते हैं। आप ले लो पाकिस्तान, आप उनका हालत देख रहे हो टेस्ट में, आप ले रहे हो प्राइम एग्जांपल्स वेस्ट इंडीज का ले, जिस तरीके से उनके जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ T20 लीग्स में फोकस किए हैं एंड अपने देश के लिए टेस्ट मैचेस खेलना अवॉइड करते हैं, उसके वजह से उनका टेस्ट का जो स्टेटस है आप देख सकते हो, आपके सामने है, बिल्कुल कुछ छुपा नहीं है। ठीक है, बाकी साउथ अफ्रीका का ले लो, जो कोलपाक डील उन्होंने जो चालू किया था उसके वजह से हार्डस विल्जियन, राइली रोसो जो कि PSL में बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, बाकी कुछ लीग्स में भी खेलते हैं, डुआने ऑलिवर जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स उनके तरफ से चले गए हैं किसी दूसरे T20 लीग्स में खेलने के लिए किसी दूसरे देश में, तो उसके वजह से उनका जो टेस्ट का जो है वो कैलिबर है वो नीचे चला गया है। तो इसीलिए जो ऐसे T20 लीग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो गया है फिलहाल, वो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा। प्लस उनके एडिशन में जो ये T10 मैचेस अभी चालू हुए हैं एंड उसके बाद जो ये 100 शुरू हुआ है, जो ये मजाक बना के रखे हैं ना क्रिकेट का, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, ये इंग्लैंड के जो पर्सनल क्रिकेट है, मतलब उनके देश का क्रिकेट के लिए फंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो उनके क्रिकेट के लिए होगा, बट ओवरऑल क्रिकेट के लिए क्या ये बेनिफिशियल है, मुझे नहीं लगता। और तो इसलिए दिल से ऐसे टूर्नामेंट को मेरा सपोर्ट करने का मन नहीं करता जहाँ पे मुझे पता है कि टेस्ट क्रिकेट इसके लिए सफ़र करेगा और लॉन्ग टाइम सफ़र करेगा। आप अगर अभी देखोगे तो टेस्ट क्रिकेट का स्पॉन्सरशिप ही नहीं मिलता है। ठीक है, कोई टेस्ट क्रिकेट देखना ही नहीं चाहता है। रिसेंटली अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप अगर छोड़ दोगे तो उसके पहले कितने ही लोग टेस्ट मैचेस देखते थे, अगर आप खुद से रिसर्च करोगे थोड़ा तो आपको पता चलेगा। बड़े बड़े जो नेशंस हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडिया, अगर न्यूजीलैंड को भी ले लो, तो ये चारों टेस्ट प्लेइंग नेशंस ही फिलहाल खेल रहे हैं स्टैंडर्ड टेस्ट क्रिकेट। बाकी पहले जो बाकी 7 से 10 जो टेस्ट रैंकिंग्स होता था, अब वो कहाँ पे है। ठीक है, अगर आप रैंकिंग्स देखोगे तो आप टॉप 4 टीम्स ही देखोगे, बाकी नीचे और बाकी जो 4-6 टीम्स हैं वो ऐसे ही खेल रहे हैं खुद के अंदर। ठीक है, बट वो उस कैलिबर के नहीं हैं जैसे कि टॉप 4 टेस्ट प्लेइंग नेशंस है। आप इंडिया को ले लो, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कैलिबर भी फिलहाल गिर रहा है एंड वो संभालने का कोशिश कर रहे हैं अपना जो स्तर था उसको, बट देखते हैं कितने समय में वो संभाल पाते हैं। बट फिलहाल जो कंडीशन है वो वर्ल्ड क्रिकेट का बिल्कुल भी ख़राब है। मैं टेस्ट क्रिकेट के नज़रिए से बोल रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट इज़ द
मेन क्रिकेट, ठीक है, उसको रिस्टोर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब तक ऐसे T20 लीग्स चलता रहेगा, चाहे IPL हो, PSL हो, SLPL हो, BPL हो, पता नहीं क्या क्या, और फिर उसके बाद ये T10 का प्रमोशन होगा एंड उसके बाद ये 100 जैसे टूर्नामेंट का प्रमोशन होगा, और लेटेस्ट और इसके बाद भी जो आएगा उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, तो हम डायरेक्टली टेस्ट क्रिकेट को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, इसका डायरेक्टली यही मतलब होता है। ठीक है, तो मैं टेस्ट क्रिकेट का बहुत डाई हार्ड फैन हूँ, मुझे क्रिकेट पसंद है, और अगर क्रिकेट को ज़िंदा रहना है तो टेस्ट क्रिकेट को ज़िंदा रहना है, और अगर टेस्ट क्रिकेट को ज़िंदा रहना है तो ऐसे लीग्स को कम होना पड़ेगा, और इसको कम होने के लिए हमको इनको अप्रिशिएट करना कम करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई ऐसा सोचता है या फिर कोई करेगा भी, ठीक है, बट मैं जैसा सोचता हूँ, मैं अपने सोच पे बिलीव रखने का कोशिश करता हूँ, एंड मैं इसीलिए मुझे कहना था आपको कि क्यों मैं ये 100 जो कि सभी फैंटेसी चैनल्स कवर कर रहे हैं वो मैं क्यों नहीं कवर कर रहा। ठीक है, डिमांड में है इसलिए कवर करना है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता। क्रिकेट से मुझे प्यार है एंड होपफुली आपको भी होगा, तो मैं ऐसा अगर सोचता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा सोचो, बट द फैक्ट इज टेस्ट क्रिकेट इज सफरिंग एंड हमको इसको रिस्टोर करने का ज़रूरत है, अगर ओवरऑल आपको क्रिकेट में क्वालिटी वापस चाहिए तो। ठीक है, वो इंग्लैंड के जैसा मुंह उठा के वो जेसन रॉय से नीचे लैम प्लंकेट एंड डेविड विली तक मारने का वाला बैट्समैन तो आपको मिल जाएंगे, बट सिचुएशन के हिसाब से संभालने वाले जो रूट आपको कितने दिखेंगे, सिचुएशन के हिसाब से संभालने वाले आपको स्टीव स्मिथ एंड केन विलियम्स एंड विराट कोहली कहाँ पे दिखेंगे। कितने ही बैट्समैन इस जनरेशन पे आप देखते हो, इन चार पांच को छोड़ के बाबर आजम हो गए या फिर शाय हो फॉर दैट मैटर, ऐसे बैट्समैन आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे, क्योंकि जनरेशन ही ऐसे हो गए कि मुंह उठा के मारो, शुरू के फर्स्ट बॉल से एकदम जो 20 ओवर का आखिरी बॉल होता है उसमें बस मारते जाओ चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, वो पेस मेंटेन होना चाहिए, बट वो कल्चर कहाँ से आ रहा है, वो कल्चर आ रहा है T20 जो मैचेस हैं, T10 मैचेस हैं, एंड फिलहाल जो अभी 100 चल रहा है इसके वजह से ही आ रहा है, तो ये थोड़ा सा मैं अप्रिशिएट नहीं करता, एंड इसीलिए जो 100 वाला टूर्नामेंट होता है या फिर किसी भी T10 मैचेस मैं कवर नहीं करूँगा मेरे चैनल पे, शायद कभी भी। ठीक है, बाकी टेस्ट क्रिकेट तो मेरे चैनल पे कवर होता ही है हमेशा, आपको पता ही है। तो यही बोलना था कि मैं क्यों कवर नहीं कर रहा, होपफुली आप इत्तेफाक रख पाए होंगे, एंड ऑब्वियसली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।